हेलो फ्रेंड्स, मैं मरुभूमि राजस्थान से स्वागत करता हूं आप सभी का तरुवर गार्डन चैनल में। आज गेंदे के बड़े अच्छे फूल खिल रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं गुलदाउदी क्रिसेंथीमम के प्लांट के बारे में। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार मैंने इन्हें एक बड़े टब में लगाया था, क्योंकि मेरे पास गमलों की कमी थी और मिट्टी की भी कमी थी। इसी कारण से मैंने कई सारे वैरायटी के गुलदावरी के प्लांट को एक साथ टब में लगा दिया और अब देखिए इनकी फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। आप सभी लोगों की दुआ और इबादत की वजह से जो फ्लावर खिल रहे हैं वो अति प्रसन्नता देने वाले हैं। इसमें जो ये पीली गुलदावरी है, ये बटन गुलदावरी है, पिछले साल की है और कई सारे पॉट्स में मैंने इसे लगा रखा था और अब मैंने टब में भी लगाया और एक दो को मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी की है। पौधों को बांटना, लगाना और उनकी देखभाल करना बड़ा ही अच्छा कार्य है। मन लगता है, खुशी मिलती है और कोई भी काम खुशी के लिए किया जाए, इससे बड़ा कोई कारण नहीं हो सकता। इस गुलदावरी का कलर देखिए, कुछ बीच में से हल्का पीला है और मधुमक्खियाँ वगैरह पराग को इकट्ठा करने के लिए भी आई हुई हैं। जितना पौधों को जड़ों में न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़्यादा इन पत्तियों को भी होती है। आप समय समय पर पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बार बार ना करें, बल्कि एक बार ही करें, अथवा जब आपके पौधों पर पेस्टिसाइड आप करें उसके एक महीने बाद ही करें। ज़्यादा छिड़काव करने से पौधों को नुकसान पहुंचता है और मैं अपने पौधों में कभी भी DAP, यूरिया आदि केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में और कई वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये पौधे मेरे अपने हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पौधों पर केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करूँ। मैं चाहता हूं मेरे सभी पौधे स्वस्थ रहें, वो सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद भी जीवित रहें, क्योंकि आप जब केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हो तो सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद वो फूल देना तो बंद ही कर देते हैं, पर साथ साथ में वो प्लांट पूरी तरह से मर भी जाता है और अगले सीज़न तक शायद ही वो बच पाता है। पर ये पीले वाली गुलदावरी जो पिछली बार मेरे पास थी और अब भी मेरे पास बची हुई है, ये जो पौधा है ये भी पिछली बार का ही है और इसे मैंने छोटे प्लांटर से बड़े प्लांटर में लगाया और बड़े प्लांटर में लगाने के बाद आप देखिए इसमें भी फ्लावरिंग आ रही है। ये भी छोटी वाली बटन गुलदावरी है। इस गुलदावरी की बात कुछ निराली है। इतने बड़े और भारी फूल खिल रहे हैं कि ये खुद को संभाल नहीं पा रहा है, गिरा हुआ है पूरी तरह से और अति रोचक और बहुत प्यारा कलर है। काफ़ी साइज़ भी इसका बड़ा है और ये भी पिछले साल का था, लेकिन इसमें एक भी फ्लावरिंग नहीं थी। फ्लावरिंग पाने के लिए लोग बाग इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि इनमें वो तरह तरह के केमिकल्स वगैरह और मैन्योर फर्टिलाइज़र्स इतने ज़्यादा डालते हैं कि पौधा बस कुछ समय के लिए रहता है। मैं पौधों की देखभाल के लिए और अच्छे से अच्छे फ्लावर्स प्राप्त करने के लिए इसमें केवल काउडंग मैन्योर यानी गोबर की अच्छी सी खाद और बनाना फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बता चुका हूँ मैं उसे बनाता हूँ, वो बना रहता है मेरे पास हमेशा। पिछले 2-3 महीनों से नया बना देता हूँ। केले आते रहते हैं घर पर, मैं उनमें डालकर फर्टिलाइज़र बनाता हूँ
और इसको मैं गुलाब के पौधों में खासकर और गुड़हल के पौधों में डालता रहता हूँ, इनमें भी काम आता है वो। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा रहता है इन पौधों के लिए। बाकी आप इतनी ज़्यादा चीज़ें इनके लिए डालो, केयर करो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो आप देख रहे हो, ये सभी के सभी प्लांट्स, छोटी छोटी सी पौध मैं बाज़ार से लेकर आया और अब थोड़ा बड़ा हो चुके हैं ये, और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगभग सभी पौधों में खिल चुके हैं। सबसे खूबसूरत तो ये सफ़ेद वाला है, जो देखता है उसका मन मोहित हो जाता है। एक साथ देखिए आप सभी कितने शानदार ये सारे के सारे गुलदावदी के हैं। इसी सीज़न में मैंने लगाए हैं, सभी छोटे थे, कोई भी बड़ा पौधा लेकर नहीं आया था। और मुझे मेरे घर पर जो भी लोग आते हैं तारीफ़ ही करते हैं, मुझे काफ़ी प्रशंसा मिली है और मैं बता चुका हूँ आप सभी की प्रशंसा मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। ये काम करने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है, लोगों को तारीफ़ मिलती है और इस बहाने पौधों की देखभाल भी हो जाती है। अब की बार मैंने अपने तरुवर गार्डन में अधिक पौधे लगाए हैं और इंतज़ार कर रहा हूँ फरवरी के आने का, यानी बहार के दिन आने का, ताकि मैं और भी प्लांट्स अच्छे से लगा सकूँ और जो 12 महीनों वाले प्लांट्स हैं उनकी मैं अच्छे से कटिंग कर सकूँ। फिर मैं आपको और भी वीडियोस बनाऊँगा और दिखाऊँगा अदर प्लांट्स जो फरवरी, मार्च, अप्रैल में फ्लावरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं प्लीज़ हमें कमेंट करके। और यदि आपको मेरी फ्लावरिंग बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।